उत्तराखंड भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक अच्छा इंसान बनाने वाला बच्चों को और युवाओं को अच्छे संस्कार देने वाला, एक सोसाइटी में बदलाव लाने वाला, एक अच्छा वातावरण पैदा करने वाला कार्यक्रम में, पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है कि उसके रिजल्ट आने प्रारंभ हो गए हैं और लोगों में परिवर्तन आ रहा है। लोगों की ये धारणा बन गई है, इस कार्यक्रम को हम रेगुलर देखें तो निश्चित रूप से प्रतिदिन कुछ न कुछ नए सूत्र मिलते हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन नए विषयों के साथ में इस कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। तो आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जो मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है, रंगों के मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा विषय है लेशिया ध्यान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द है, लेशिया और ध्यान। लेशिया का अर्थ होता है कलर और ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन। ये सारी प्रकृति कलर से जुड़ी हुई है। जैसे एक मुख्य जो कलर जो है, काला, पीला, नीला, हरा और सफ़ेद, ये मुख्य रूप से सृष्टि में पांच रंग है। लेकिन कॉम्बिनेशन करके जो है हम कई रंग बना सकते हैं। लाखों करोड़ों के तरह के शेड्स देकर के कलर बनाया जाता है। जैसे एशियन पेंट्स है, वह कितने तरह के शेड्स देता है और शेड्स देकर के अलग अलग कलर बनाते हैं। लेकिन मुख्य प्रकृति के ये पांच होते हैं। जैसे कि कोई भी परमाणु होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है कि परमाणु पुद्गल उसे कहते हैं जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। वर्ण का मतलब रंग, पांच रंग होते हैं। भौरा है, भौरा काले रंग का दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर पांचों रंग मौजूद है। डोमिनेशन है, वो काले रंग का है, चारों रंग साइलेंट है, हिडन है, पर उनका अस्तित्व है। सफ़ेद, अगर मान लो कोई चीज़, ये मेरा जो शर्ट है वाइट है, तो वाइट डोमिनेटेड है, वाइट कलर दिखाई देता है, लेकिन चार कलर बाकी के जो है इसके अंदर साइलेंट है, इसके अंदर हिडन है। ये प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है। तो हम कलर का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कलर के द्वारा व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है। कलर के द्वारा व्यक्ति से व्यसन मुक्ति कराई जा सकती है। कलर थेरेपी के माध्यम से समस्त बीमारियों का इलाज किया जाता है। और जैसे देखिए कि मान लो ग्रीन कलर है, वो स्वास्थ्य देने वाला है, ब्लू कलर है, ये स्वास्थ्य देने वाला है। तो ग्रीन और ब्लू कलर की बोतलों के अंदर ये हमारा फिल्टर्ड वाटर रख करके सूर्य की रोशनी के अंदर रख, सूर्य की रोशनी में पांचों रंग होते हैं। तो सूर्य की रोशनी के अंदर जब ये पानी गर्म होता है और लगभग 24 आवर्स तक सूर्य की रोशनी में रखा जाता है, तो उस पानी को अगर व्यक्ति जिसमें जैसा कलर डाला जाता है, उस पानी में नीले रंग का है, ब्लू रंग का है, तो उस कलर को जो कि सूर्य की रोशनी से वो जो है वो जर्मिनेट हो जाता है, सूर्य की रोशनी उसके अंदर पी लेता है, तो वो पीने वाला पानी व्यक्ति स्वस्थ होता है। इससे बहुत सी बीमारियां ठीक जाती है। शरीर की समस्त बीमारियों का कलर थेरेपी से इलाज किया जाता है। पूरी एक कलर थ्योरी साइंस है, कलर थ्योरी बहुत वैज्ञानिक है। लेकिन मेरा जो आज विषय है वह है लेशिया ध्यान, यानी कलर का ध्यान करना। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो चैतन्य केंद्र जो है, ये मुख्य 9 चैतन्य केंद्र है। मैं आप उनका नाम बताता हूँ। चैतन्य केंद्र उसे कहा जाता है जहाँ हमारी आत्मा का सघन निवास होता है। वैसे तो आत्मा शरीर व्यापी होती है, पूरे शरीर की हर कोशिका में, हर प्राणी, हर कोशिका में, हर परमाणु में विद्यमान है। लेकिन सघनता उसकी कहाँ कहाँ होती है, उसको चैतन्य केंद्र कहा जाता है। उस चैतन्य केंद्र के ऊपर
पर्टिकुलर कलर का ध्यान करने से, जिसको कि लेशिया ध्यान कहा जाता है, उसका ध्यान करने से उसके अंदर बदलाव आता है, उसको लाभ मिलता है, शो उसको सोच में बदलाव आता है, व्यवहार में बदलाव आता है, आचार विचार में बदलाव आता है, पॉजिटिव थिंकिंग बनती है। तो हम पहले चैतन्य के अंदर नौ मुख्य माने गए हैं। पहला ये शास्त्र सार चोटी का, जिसको कि ज्ञान केंद्र कहते हैं। अगर यहाँ पर कलर की बात है, लेशिया ध्यान की बात है, यहाँ पर और कलर जो किया जाता है वो सब चमकते हुए ब्राइट कलर का कलर करना चाहिए, और जो डल कलर है, जो गहरे डीप कलर्स होते हैं, वो कलर्स अच्छे नहीं होते हैं, उससे बदलाव नहीं आता है, और वो हमको नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाते हैं। इसलिए कोई भी कलर का ध्यान किया जाए वो ब्राइट कलर के साथ में किया जाता है। यहाँ पर चमकते हुए हल्दी जैसे, जो है नींबू जैसे पीले रंग का, अगर हम यहाँ परमाणुओं को अवस्थित कर दें, सांस के साथ खींच करके या परमाणुओं का गोला बनाएं और हम ऑटो सजेशन दें, और उसके बाद के अंदर अनुभव करें कि हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ रही है और हमारे स्मरण शक्ति बढ़ रही है, ज्ञान का विस्तार हो रहा है और ज्ञान के तंतु सक्रिय हो रहे हैं, ये लेशिया ध्यान कहलाता है। एक दो ध्यान हम आपको प्रायोगिक रूप में कराएंगे। उसके बाद में दूसरा जो है ये शांति केंद्र है, ये चैतन्य केंद्र शांति का है। यहाँ पर पीले रंग का ध्यान करने से शांति की प्राप्ति होती है। और ये तीसरा जो है ये हमारा जो ज्योति केंद्र है, जहाँ पे टीकी लगाई जाती है, यहाँ पर चमकते हुए चंद्रमा का वाइट कलर का ध्यान किया जाता है, जिसको लेशिया मतलब कलर, उस कलर का मेडिटेशन करने से हमारे क्रोध अहंकार माया लोभ जितने भी ये हमारी कुगुण हैं उन सब का विनाश होता है। और ये पिनियल ग्रंथि है, दोनों भ्रकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र कहा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लाल या जो है वो चमकता हुआ जो है वो पिंक कलर का ध्यान किया जाता है। ये पिनियल ग्रंथि है जो भीतर की ओर ले जाती है, प्रज्ञा के जगत को ले जाती है, आत्म साक्षात्कार करती है। और उसके बाद के अंदर ये हमारा कंठकूप है, ये विशुद्धि केंद्र कहलाता है। यहाँ पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करने से हमारी बुरी भावनाओं का शुद्धिकरण का, इसका नाम ही विशुद्धि है, ये शुद्धिकरण करता है। और इसके बाद में हृदय के सेंटर का जो है ये कहलाता है आनंद केंद्र। यहाँ पर हरे रंग की पेड़ की पत्तियों के हरा रंग है वो ध्यान किया जाता है, तो आनंद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इसके बाद में अगला जो हमारा ये चैतन्य केंद्र है, ये प्राण केंद्र है, ये तेजस केंद्र कहलाता है, जो कि हमारी नाभि केंद्र होता है, और ये बहुत मुख्य केंद्र है। सारी प्राण शक्ति जो है यहाँ जनरेट होती है, और यहाँ पर ध्यान करने से नेगेटिव थॉट्स जो है वो पॉजिटिव के अंदर बदलते हैं। यहाँ पर पिंक कलर का ध्यान किया जाता, कैसा पिंक, जो आपने कभी मोर देखा होगा नाचता हुआ, मोर की जो गर्दन के ऊपर चमकता हुआ पिंक कलर होता है वो पिकॉक कलर बोला जाता है, पिकॉक ब्लू, उसका करने से जो है यहाँ पर जो है वो नेगेटिव थॉट्स तिरोहित होते हैं, और हमारी इंद्रिय का जो स्थान है वह स्वास्थ्य केंद्र कहलाता है, स्वादिष्ठान चक्र कहलाता है। चैतन्य केंद्र और चक्र एक ही चीज़ है, चक्र सात कहे जाते हैं, चैतन्य के नए नौ कहे जाते हैं, दोनों एक ही अर्थ है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर पीले रंग का ध्यान करने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और लास्ट हमारा जो मूलाधार चक्र है, जिसको कि शक्ति केंद्र कहा जाता है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी का निचला भाग, स्पाइनल कॉर्ड का निचला भाग, गुदा का भाग जो है वह हमारा बहुत इम्पोर्टेंट मूलाधार को जो वश में कर लेता है वो कुंडलिनी जागरण करता है। अभी आज का विषय कुंडली जागरण का नहीं है, आज लेशिया ध्यान का विषय है। तो ये चैतन्य केंद्र है, यहाँ पर अलग अलग कलर बताए हैं, इसके अलग अलग लाभ है, और लाभ की चर्चा हम और करेंगे। तो अभी हम जो है एक जो है प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी के साथ में
प्रयोग चलना चाहिए। साइंस के विद्यार्थी होते हैं वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करते हैं, दोनों में करीब करीब 50-50% पर जो है कि बाद में उसको पास किया जाता है, क्योंकि थ्योरी सिद्धांत है और प्रैक्टिकल उसकी मेथडोलॉजी है, उस सिद्धांत को कारगर करने का, उस सिद्धांत को प्रूव करने का, उस सिद्धांत को जो हमारे जीवन में ढालने का, सोसाइटी में ढालने के लिए प्रयोग करना जरूरी होता है। बदलाव प्रयोग से आता है, मात्र थ्योरी सत्संग है, थ्योरी तो इधर से सुनी और इधर निकाल दी जाती है, लेकिन प्रयोग होता है वो परिवर्तन लाता है, क्योंकि प्रयोग हमें भीतर ले जाता है, प्रयोग हमें अवचेतन मन में ले जाता है, प्रयोग हमें लेशिया ध्यान कराता है, इसलिए हमारा बदलाव आता है, रूपांतरण आता है। बदलाव आना बहुत जरूरी है, और इंसान अगर नहीं बदलता है तब जो है इन चीज़ों की कोई प्रासंगिकता नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और ये उपयोगी नहीं है। तो आज हम हमारा ज्योति केंद्र है, हाइपोथैलेमस का ये केंद्र है, जहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, व्यक्ति इस पर ध्यान करे, इसलिए टीकी इस स्थान पर लगाई जाती है। यहाँ पर हम जो है वो चमकते हुए, हम ज्योति केंद्र के ऊपर चमकते हुए सूरज का ध्यान करें, चमकते हुए चंद्रमा का, वाइट कलर का पूनम के चंद्रमा का ध्यान करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो हमारे सबसे बड़े शत्रु है, इन चारों को, इसको चंडाल चौकड़ी कहा जाता है, इन चारों के बीच के अंदर एग्रीमेंट है। क्रोध चला गया तो मान, माया, लोभ ऑटोमेटिकली साथ जाएंगे, चारों में से कोई एक चला जाता है तो तीन पीछे अपने आप एग्रीमेंट के तहत चले जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, अब हम थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करने के लिए मैं पहले इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उसके अनुसार आपको फॉलो करना है, मेडिटेशन करना है, और फिर जैसे जैसे मेरे इंस्ट्रक्शंस ऑटो सजेशन हो आप उसके ऊपर अनुसार कार्य करते रहें, ध्यान कर रहे हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम बहुत गहरे चले गए थे, हमको अनुभूति नहीं हुई कि इतना समय कैसे निकल गया। अब थोड़ा चित्त समाधि के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हूँ। थोड़े समय का हमने ब्रेक लिया और हम ताजगी महसूस करते हैं। जब हमारी मानसिक शांति रहती है, दिमाग ताज़ा होता है, तो जो चिंतन किया जाता है वो हमें स्मरणीय हो जाता है। इसीलिए हम ब्रेक समाप्त करने के बाद में हम पुनः अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आँखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, कोई हलन चलन नहीं, पूरा शरीर मूर्तिवत स्थिर कीजिए। उस आसन में बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन, जो आपको आराम से टेंशन फ्री होकर के बिठा सके। ध्यान मुद्रा में आ जाइए। अब हम सबसे पहले थोड़ा कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग का अर्थ है काया का उत्सर्ग करना, अपने शरीर को शिथिल करना। पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए, विचारों को घुमाइए पूरे शरीर में, और सुझाव दीजिए, शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक सिस्टम, प्रत्येक कोशिका शिथिल हो जाए। ऑटो सजेशन दीजिए, शरीर का प्रत्येक भाग शिथिल हो जाए, हर कोशिका शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा, पूरे शरीर में कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं,
कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन नहीं, पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया है। अनुभव कीजिए, मेरा शरीर रूई की भांति हल्का हो गया है, मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊंचा उठ रहा है, इतना हल्का हो गया है। थोड़ा श्वास को शिथिल कीजिए, श्वास और शरीर का जोड़ा है, दोनों पक्के साथी है, दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित कीजिए। श्वास को थोड़ा प्रयास करके बिना प्रेशर दिए लंबा खींचिए, लंबा छोड़िए, लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, श्वास भरें, पेट फूलना चाहिए, श्वास निकले, पेट सिकुड़ना चाहिए। देखिए गहरा श्वास, लंबा श्वास, समतल श्वास, आते जाते श्वास की प्रेक्षा कीजिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं कीजिए। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। अब श्वास के द्वारा भर करके सफ़ेद रंग के श्वेत ब्राइट परमाणुओं को श्वास नली से भीतर खींचिए और उन सबको टीकी का स्थान जो हमारा ज्योति केंद्र है इस पर छोड़िए। 3-4 बार प्रयोग करके अनुभव कीजिए, ज्योति केंद्र पर पूनम का चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई दे रहा है, साफ पूनम का चंद्रमा। इतने परमाणु आ गए हैं, साफ पूनम का चंद्रमा ज्योति केंद्र टीकी के केंद्र पर दिखाई दे रहा है। चित्त को यहाँ एकाग्र कर दीजिए, कहीं इधर उधर भटकाना नहीं है। अब भीतर ही भीतर ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, घृणा और निंदा सभी दुर्गुण समाप्त हो जाए। ऑटो सजेशन दीजिए, मेरे सारे नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर भस्म हो जाए, इस जगह पर सारे नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दीजिए। अनुभव कीजिए, मेरा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ घट रहा है, घट रहा है, मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, मेरा भावनात्मक विकास हो रहा है, मेरा इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा EQ बढ़ रहा है, मेरा इमोशनल कॉन्सेंट बढ़ रहा है, मेरा क्रोध, मान, माया, लोभ कम हो रहा है। अनुभव कीजिए, मेरे राग द्वेष काफ़ी शुद्ध हो गए हैं, मेरे कषाय काफ़ी शुद्ध हो रहे हैं। और धीरे धीरे अनुभव कीजिए, सारे कषाय विलीन हो गए हैं, पूरा शुद्धिकरण हो गया है। अब समय की अल्पता को देख करके पुनः हम हमारी ओरिजिनल पोजीशन पर लौट रहे हैं। धीरे धीरे अनुभव कीजिए, शरीर में भारीपन आ रहा है, श्वास में भारीपन आ रहा है, हमारी मूल अवस्था तक पहुंच रहे हैं, पहुंच गए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो मैंने प्रयोग कराया ये आधा पौन घंटे का प्रयोग है, लेकिन समय की अल्पता को थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों सिखाने की दृष्टि से उसका एक छोटा डेमो किया है। तो आप स्वयं इसको प्रतिदिन करें तो आप देखेंगे कि प्रतिदिन करते करते चाहे 1%, 2%, 5% सुधार हो,
आपका क्रोध निश्चित रूप से कम होगा और धीरे धीरे विलीन हो जाएगा, क्योंकि हमारा श्वास है इसकी संख्या घट जाती है और हमारा चित्त कहीं इधर उधर नहीं जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है हमारे ज्योति केंद्र पर। मेडिटेशन का जो है मुख्य उद्देश्य ये है, चित्त को एक जगह केंद्रित करना। ये घोड़ा जो हमारा विचार रूपी दौड़ता रहता है, चंचल है, उसको एक खूंटे पर बांधना। एक जब ये चंचल होता है तो व्यक्ति को अव्यवस्थित करता है और इतना अव्यवस्थित कर देता है कि व्यक्ति पागल तक, पागल व्यक्ति कौन होते हैं जिनकी श्वास की संख्या 50-100 प्रति मिनट चली जाती। कोमा में कौन जाते हैं जिनकी श्वास की संख्या, श्वास बहुत छोटा हो जाता है, प्रति मिनट 50-60-100 तक चली जाती है। कामुक लोग क्यों होते हैं, क्योंकि श्वास की संख्या घटती, यानी पॉजिटिव थॉट श्वास को लंबा करके श्वास की संख्या घटाने से होता है, और नेगेटिविटी इसके विपरीत के अंदर, क्योंकि दोनों की गुण विपरीत है तो विपरीत होने के कारण श्वास की संख्या अपने आप बढ़ा देती है या श्वास की संख्या बढ़ जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये लेशिया ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, किसी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, किसी गुरु को किसानिध्य में जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार डेमो को सीखना है और अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाना है, शरीर में विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को गुरु बनाना है, उसका आशीर्वाद ग्रहण करना होता है। ये लेशिया ध्यान का प्रयोग है, सुंदर प्रयोग है। अब हम निष्कर्ष रोज लेना चाहते हैं कि आखिर हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, इससे हमको क्या लाभ है, क्या मिलने वाला है। निष्कर्ष लेना बहुत जरूरी है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में पिछले 5 मिनट निष्कर्ष के होते हैं, तो आज हम लेशिया ध्यान का निष्कर्ष लेना चाहते हैं कि व्यक्ति जो 9 चैतन्य केंद्र पर अलग अलग कलर का ध्यान करता है तो निश्चित रूप से वो अच्छा इंसान बनाने की प्रक्रिया में जुड़ जाता है, क्योंकि ये प्रयोग है, इसके साथ थ्योरी भी है और प्रयोग भी है। यह प्रयोग असांप्रदायिक है, किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं करता, और असांप्रदायिक है, किसी की धार्मिक भावनाओं पर चोट नहीं करता, और इसमें वर्ण गंध, इसके अंदर किसी वर्ण का व्यक्ति, किसी भाषा का व्यक्ति, किसी लिंग का व्यक्ति, मनुष्य मात्र इसको कर सकता है। प्राणी मात्र तो मैं कैसे कहूँ, क्योंकि प्राणियों में, अन्य प्राणियों में इतनी बुद्धि विकसित नहीं है, वो लेशिया ध्यान नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ कहा जाता है कि मनुष्य इतनी बात कर सकता है, बात सोच सकता है, अपने में परिवर्तन ला सकता है, समाज में परिवर्तन ला सकता है। इसीलिए कहा गया है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर देश को सुधारना चाहते हो, मानव जाति को सुधारना चाहते हो, 7 अरब की जनसंख्या को अच्छा इंसान बनाना चाहते हो, तो प्रारंभ आप मनुष्य से करो। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद। आप इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के समस्त जीवों को, 7 अरब की जनसंख्या और समस्त 84 लाख की जीवायों ने सुखी हो, आनंद रहे, और किसी को कोई कष्ट न हो, कोई किसी को कष्ट न दे। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, आनंदमय हो, और जीवन बहुत शांति से यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।